दोस्तों आज की इस न्यू वैकेंसी जॉब अपडेट में मैं आप लोगों को इंडिया की सबसे टॉप बेस्ट यानी सबसे अच्छे मेन पावर कंसल्टेंसी लाइसेंस होल्डर विजय एजेंसीज की वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक दो मेन पावर वीजा ऑफिसों के बारे में नहीं बताऊंगा, कौन कौन सी उसमें वैकेंसी इस टाइम पे आई है, काफी सारे अलग अलग ऑफिसों के अलग अलग कंपनी की अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूँ। और साथ में मैं आप लोगों को कुछ बिल्कुल फ्री रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊंगा जिसमें आप लोगों का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक गारंटी देता हूँ कि ये जितनी भी वैकेंसीज मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी लाइसेंस होल्डर और गवर्नमेंट की तरफ से जो अप्रूवल है, मतलब सर्टिफाइड है, जितने भी लाइसेंस होल्डर ऑफिस है उन्हीं की मैं आप लोगों को वैकेंसीज बताऊंगा। कोई भी आप लोगों को लोकल एजेंट की वैकेंसीज आपको इस वीडियो में देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप लोग ये वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं और विदेश में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं और फ्री वैकेंसीज के बारे में भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, सारी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कंप्लीट मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप भी वीडियो देख रहे हैं वीरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले नंबर वन वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आई हुई है दोस्तों एसमैक्स मेन पावर लाइसेंस होल्डर वीजा एजेंसी में। अगर आप लोगों ने इस मेन पावर ऑफिस का पहले से ऑलरेडी नाम नहीं सुना है तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके इनके बारे में सर्च करो, आप लोगों को इनकी ऑफिशियल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज वैकेंसीज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सारी फ्रेशर के लिए भी अवेलेबल है, यानी नए लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन सी कैटेगरी है नंबर वाइज हम लोग बात करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स में बताऊंगा। तो नंबर वन जो कैटेगरी है वो है सिविल साइड इंजीनियर। जितने भी भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास वीटेक का डिप्लोमा है और आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल लाइन का, फिर आप लोग इसमें इलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो, अपना इंटरव्यू करवा सकते हो। और नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। जितने भी भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास वीटेक डिप्लोमा है और इलेक्ट्रिकल लाइन का 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप लोग इलिजिबल हो और फिर अपना इंटरव्यू करा सकते हो। इलेक्ट्रीशियंस जितने भी भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ITI डिप्लोमा है और इलेक्ट्रिकल लाइन का 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इसमें इलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो इसमें। और अकाउंटेंट जितने भी भाई हैं वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे BCom और MCom और मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस यानी 5 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को इस फील्ड का होना चाहिए तभी आप लोग अकाउंटेंट में अप्लाई कर सकते हो। लाइट व्हीकल्स ड्राइवर जितने भी भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास वैलिड लाइट व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप लोग इसमें इलिजिबल हो। और जितनी भी कैटेगरी मैंने आप लोगों को बताई है इस ऑफिस के जो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले पे आप लोगों को साइड में शो हो रहे हैं इस पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट बिना किसी एजेंट से बात किए हुए बीच में रखे हुए मेन पावर लाइसेंस होल्डर ऑफिस से जा सकते हो। नंबर 2 जॉब अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो ये वैकेंसी आई हुई है एम घी वाला ग्लोबल HR कंसल्टेंट में। दोस्तों ये एक मेन पावर काफी पुरानी और बहुत बड़ा मेन पावर ऑफिस है। अगर आप लोग इसके बारे में भी नहीं जानते हो तो सोशल मीडिया पे जाके एक बार चेकआउट करो, आप लोगों को इनकी सारी ऑफिशियल डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज आई हुई है यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं क्रेन ऑपरेटर की वैकेंसीज है। क्रेन ऑपरेटर जितने भी भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ GCC लाइसेंस होना आप लोगों के पास बहुत जरूरी है, प्लस आरामको सर्टिफाइड भी आप लोग होने चाहिए और TUBI कार्ड भी आप लोगों के पास होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को इसमें सैलरी बहुत ही अच्छी मिलेगी और कंपनी बहुत ही बेस्ट, मतलब बेस्ट कंपनी है, सभी इसीलिए ये सारे डिमांड कर रही है। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं इसका जो क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है ना मल्टीपल प्लेस यानी मल्टीपल स्टेट में होने वाला है, जैसे कि क्लाइंट इंटरव्यू बॉम्बे में भी होगा, दिल्ली में भी होगा और जी पंजाब सिवान कोलकाता सब जगह पे इसका इंटरव्यू आप लोगों को मिल जाएगा। और अब आप लोग इंटरव्यू के लिए कैसे कॉन्टेक्ट करोगे डिस्प्ले पे दोस्तों स्क्रीन पे आप लोगों को ये सारी डिटेल्स हो रही हैं और फोन नंबर एड्रेस आप लोगों को लिस्ट में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, तो डायरेक्ट बिना किसी एजेंट के कॉन्टेक्ट करो और अपना इंटरव्यू कराओ अगर आप लोग इसके लिए इलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो जाने के लिए। और एक चीज आप लोगों को और बता देता हूँ यहाँ पे कंपनी ने मॉडल नंबर भी मेंशन कर दिया कौन कौन सी क्रेन आप लोगों को चलानी पड़ सकती है। अगर आप लोग इनमें से कोई से भी मॉडल की क्रेन के प्रोफेशनल ऑपरेटर हो तो यू कैन डू इट और आप लोगों को सैलरी भी अच्छी मिल सकती है क्लाइंट इंटरव्यू में। अगर जिस टाइम पे क्लाइंट आपका फेस टू फेस इंटरव्यू लेगा उस टाइम पे आप लोग उससे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं ज्यादा सैलरी के लिए। नेक्स्ट जॉब अपडेट की बात करते हैं तो ये वैकेंसी आई हुई है सिंगल इंटरनेशनल LLP मेन पावर लाइसेंस होल्डर वीजा एजेंसी में। और दोस्तों ये मेन पावर वीजा एजेंसी 39 साल से भी ज्यादा पुरानी है
और इस मेन पावर के बारे में भी अगर आप लोग ऑलरेडी पहले से नहीं जानते तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके इनके बारे में सर्च करो, इनकी ऑफिशियल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसमें जो इतनी भी वैकेंसीज हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे नंबर वन कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजेटर जितने भी भाई है वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे मैकेनिकल टेक्नीशियंस, जितने भी भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 15 बंदों की जरूरत है इनको। और नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे मैकेनिकल फिटर रोस्टिंग इंप्लीमेंट वाले, जितने भी भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 45 कैंडिडेट्स की इनको यहाँ पे जरूरत है। फायर वॉचर जितने भी हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 25 यानी 25 बंदों की इनको यहाँ पे इस कैटेगरी में जरूरत है। और यहाँ पे जो कंडीशंस कंपनी की तरफ से दी गई है वो ये है कि आप लोगों के पास गल्फ एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, फ्रेशर को कंपनी हायर नहीं करेगी। और यहाँ पे आप लोगों के पास इंग्लिश भी आपको बोलनी आनी चाहिए अच्छी, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। और दूसरी चीज यहाँ पे कंपनी ने मेंशन करके दिया ऑटोमेशन ट्रांसफॉर्मेशन मेडिकल इंश्योरेंस और गुड सैलरी आप लोगों को यहाँ पे मिल सकती है अगर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोग इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो और एलिजिबिलिटी है आप लोगों के पास जाने के लिए तो डायरेक्ट बिना किसी एजेंट के कॉन्टेक्ट करो इस मेन पावर लाइसेंस होल्डर एजेंसीज के, जो कॉन्टेक्ट नंबर डिस्प्ले पे आप लोगों को शो हो रहे हैं या ये सारे नंबर आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जॉब अपडेट की बात करते हैं तो ये सारी वैकेंसीज आई हुई हैं एचआर इंटरनेशनल मेन पावर लाइसेंस होल्डर वीजा एजेंसी में। दोस्तों ये जो वीजा एजेंसी है काफी पुरानी है और बहुत बड़े लेवल पे काम करती है, ओनली ये सऊदी अरब या गल्फ कंट्री में ही काम नहीं करती है, ये बहुत बड़े लेवल पे यूरोप भेजने का भी काम करती है। अगर आप लोग यूरोप या गल्फ कंट्री में जाना चाहते हो लीगल जेन्युइन तरीके से तो डायरेक्ट बिना किसी एजेंट के आप लोग इनके ऑफिस में विजिट कर सकते हो या फिर इनके साथ डायरेक्ट फोन पे बात करके भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इनके साथ आप अपनी वीजा प्रोसेस करवा सकते हो। जितनी भी वैकेंसीज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो नंबर मैं आप लोगों को दूंगा उसी पे कॉन्टेक्ट करना, किसी दूसरे नंबर पे कॉन्टेक्ट मत करना क्योंकि हर वैकेंसीज के लिए हर मेन पावर ऑफिस का जो नंबर रहता है वो अलग अलग रहता है क्योंकि मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैकेंसीज की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है मैकेनिकल पाइपलाइन वाले जितने भी भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन हैवी एसी फायर फिटिंग वाले जितने भी भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल कंस्ट्रक्शंस वाले जितने भी भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन शटडाउन मैकेनिकल यानी मेंटेनेंस वाले जितने भी भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल लाइन वाले जितने भाई हैं वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पे जितनी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें बीए या फिर बीटेक डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे है दोस्तों कंस्ट्रक्शंस मैनेजर जितने भी भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। और क्यूसी सिविल सुपरवाइजर जितने भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 8 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना बहुत जरूरी है। क्वांटिटी सर्वेयर जितने भी भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना बहुत जरूरी है। सेफ्टी सुपरवाइजर जितने भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना बहुत जरूरी है। मैकेनिकल ड्राफ्टमैन जितने भी भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी है यहाँ पे क्यूसी इंस्पेक्टर जितने भी भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जितनी भी कैटेगरीज मैंने आप लोगों को बताई हैं इनकी सारी कंडीशंस साइड में लिस्ट में शो हो रही होगी, एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना, वीडियो को पॉज करके डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। अगर किसी वजह से ये जो लिस्ट है आप लोगों को साफ नहीं दिख रही है तो इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर देना या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आप लोगों को डायरेक्ट ये लिस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों बिना किसी एजेंट के आप लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करो, अगर आप लोगों की वैकेंसी है तो किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है, मेन पावर लाइसेंस होल्डर वीजा एजेंसी से आप लोग डायरेक्ट बात करके अपनी वीजा प्रोसेस करवा सकते हो अपना इंटरव्यू क्लियर करने के बाद। और नेक्स्ट जो अपडेट की बात करते हैं तो दोस्तों ये है बिल्कुल फ्री रिक्वायरमेंट यानी फ्री वैकेंसी आई हुई है और ये अल्फनार कंपनी की है। और साउंड लाइन ऑफिस का नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, अगर आप लोग उसके बारे में भी नहीं जानते तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करो या हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करो, आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों साउंड लाइन ऑफिस एक बहुत बड़े लेवल पे काम करता है और सबसे ज्यादा फ्रेशर के लिए वैकेंसी आज के टाइम पे साउंड लाइन ऑफिस में आती है। तो यहाँ पे दोस्तों फ्री रिक्वायरमेंट आई हुई है, अक्सर बहुत बार इसमें फ्री रिक्वायरमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। ये जो अल्फनार कंपनी की फ्री रिक्वायरमेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत सारे एजेंट लोग भी आप लोगों को बताएंगे लेकिन एजेंट लोग अपना कमीशन रखेंगे, उसमें बहुत सारे एफर्ट लगाएंगे और बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप लोग एजेंट के साथ किसी जाना चाहते हो तो एजेंट के साथ जाओ, लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट एक मेन पावर लाइसेंस होल्डर वीजा एजेंसी जिसको डायरेक्ट कंपनी अल्फनार से काम मिला हुआ है उसके साथ अगर आप लोग जाना चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए शानदार मौका है। और हमारे चैनल पे आप लोगों को ये खासियत बात मिलेगी कि आपको डायरेक्ट नंबर दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ,
अल्फनार जो सऊदी अरब की कंपनी है उसमें क्वांटिटी 3 है टोटल मिला के, सॉरी जितनी भी वैकेंसीज हैं वो 3 है, 3 कैटेगरी की। तो नंबर वन जो पोजीशन है वो है दोस्तों यहाँ पे पैनल गोल्ड वायरमैन, जितने भी भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेस्टिंग टेक्नीशियंस जितने भी भाई हैं वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्यूसी टेक्नीशियन जितने भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो इंटरव्यू होने वाला है मल्टीपल स्टेट यानी मल्टीपल ऑफिसों में होने वाला है, जो कि इनकी ब्रांचेस हैं, किसी फ्रॉड या स्कैमर के पास आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं क्लाइंट इंटरव्यू जो लोकेशंस हैं इनकी, बॉम्बे, नासिक और बड़ौदा, दिल्ली, चेन्नई, कोची, बैंगलोर, ये सारी जगह पे आप लोगों को इनका इंटरव्यू मिल जाएगा इस कैटेगरी का, इस कंपनी का, जिसमें फ्री रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग बिना किसी एजेंट के, बिना किसी ऐसे आदमी के जो आपके साथ फ्रॉड करेगा, एक डायरेक्ट मेन पावर लाइसेंस होल्डर वीजा एजेंसी से कॉन्टैक्ट करके अपनी वीजा प्रोसेस करवा सकते हैं, अपना इंटरव्यू करा सकते हैं। अगर आप लोगों की ये सारी कैटेगरी, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो तो एक बार चेकआउट कर लो, लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज के न्यू वैकेंसी जॉब अपडेट जो मैंने आप लोगों को डिटेल्स में बताए हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कौन कौन सी वैकेंसी, कौन कौन से मेन पावर लाइसेंस होल्डर वीजा एजेंसी में, और किस कंपनी में कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। अगर इन सब वैकेंसीज से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने की आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा। अगर आप लोग इन वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो एक मैसेज कीजिए, हम आप लोगों को फ्री होते ही कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, अगर इन सभी ऑफिसों के बारे में आप लोग ऑलरेडी पहले से नहीं जानते हो तो आप हकीकत बताता हूँ मैं आप लोगों को, ये एक मेन पावर लाइसेंस होल्डर इंडिया की टॉप मेन पावर वीजा एजेंसी है जिसमें बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम होता है। और आप लोग इस फील्ड में अगर नए हो तो ही नहीं जानते होंगे, अगर पुराने होंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को इन पे मेन पावर लाइसेंस होल्डर वीजा एजेंसी के बारे में अच्छे से पता होगा। तो आप लोग बिना किसी डाउट के, बिना किसी एजेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो और अपना इंटरव्यू कराओ, वीजा प्रोसेस करवाओ, यहाँ पे लीगल जेन्युइन तरीके से आप लोग काम करा सकते हैं। और दोस्तों जो मैंने आप लोगों को फ्री वैकेंसीज बताई है उसमें आप लोगों से बहुत सारे एजेंट बहुत सारा पैसा भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को जो फ्री रिक्वायरमेंट बताई है वो एक जेन्युइन आप लोगों को चार्ज देना होगा। हो सकता है बिल्कुल भी फ्री हो, लेकिन हो सकता है ऑफिस चार्ज थोड़ा मोड़ा आप लोगों को देना पड़ सकता है, लेकिन आप लोगों के साथ कोई भी फ्रॉड स्कैम वहां पे नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो कंपनी जिस मेन पावर लाइसेंस होल्डर वीजा एजेंसी को ये रिक्वायरमेंट दे रही है वही से आप काम कराओगे तो फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और आप दोस्तों के साथ शेयर करो, और मोस्टली उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं और उनको वैकेंसीज के बारे में पता नहीं चलता, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके और वो भी अपनी लाइफ में थोड़ा बेटर कर सके, अच्छा बना सके अपनी लाइफ को, थोड़ा सा अच्छा पैसा कमा के। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के गुड बाय।